फ्रेंड्स वेलकम टू बानी इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों कल हमने पढ़ा था इंटरचेंजिंग नेगेटिव सेंटेंसेस इनटू अफर्मेटिव सेंटेंसेस। आज हम पढ़ेंगे इंटरचेंजिंग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस इनटू असर्टिव सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में आप जानते होंगे, इन्हें हिंदी में विस्मयाद बोधक वाक्य कहते हैं। जब अचानक हमें कोई दुख, कोई खुशी, घृणा या प्रेम का भाव होता है, अचानक होता है, ये पहले से कन्फर्म नहीं होता है, तो ऐसी कंडीशन आती है वो एक्सक्लेमेटरी में आती है। अचानक हमें कुछ मिल जाना, अचानक किसी को देख करके एकदम से वेरी हैप्पी हो जाना, ऑल ऑफ ए सडन we hear a sad news and we become sad। अचानक कोई दुख की खबर सुनी और दुखी हो गई तो एकदम से आया, ऐसा ही है। तो ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, ये जब स्टार्ट होते हैं तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपने पढ़ा है कि ये सेंटेंस या तो शुरू होते हैं एलास से, या स्टार्ट होते हैं हुर्रा से, ब्रेवो, या हाउ से, व्हाट से, इफ ओनली से, वुड दैट से, या फिर स्टार्ट होते हैं जे ओ से, आ से। तो ये सेंटेंसेस जब भी आते हैं तो इनमें ये वर्ड्स आते हैं और इसके साथ साथ इसमें मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन भी लगा होता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और इनको जब बनाते हैं हम तो कुछ रूल्स का, यदि हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसी वर्ड जैसे हाउ से स्टार्ट हो, जैसे हाउ ब्यूटीफुल द रोज इज, अब इस सेंटेंस में आप देखें लास्ट में लगाया मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, हाउ यहां पर आया है लेकिन ये इंटरोगेटिव नहीं है, क्योंकि हाउ और व्हाट के द्वारा हम किसी भी चीज की अधिकता को बताते हैं या उसके कम होने को बताते हैं। तो यहां पर ये सेंटेंस बताया हाउ ब्यूटीफुल द रोज इज, कि जो रोज है, गुलाब है, वो कितना सुंदर है। असर्टिव में इसे चेंज करेंगे तो ये जो सेंटेंस आपको बनेगा, सबसे पहले असर्टिव में हम लगाते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो जाएगा द रोज इज, और हाउ या व्हाट आते हैं इन्हें चेंज कर देते हैं वेरी में, वेरी ब्यूटीफुल। ये सेंटेंस बन गया आपका। एक व्हाट ए वाला सेंटेंस भी देख लेते हैं, जैसे सेंटेंस है व्हाट टेरिबल स्टॉर्म इज, या मान लीजिए व्हाट ए टेरिबल स्टॉर्म इट इज, कर दें सेंटेंस को असर्टिव में चेंज करेंगे तो ये सेंटेंस आपका होगा It is a very terrible storm। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे
जो एक्सक्लेमेटरी वाले सेंटेंस जो व्हाट ए से या हाउ से स्टार्ट होते हैं, इनमें लास्ट में सब्जेक्ट या वर्ब नहीं आती। जैसे सेंटेंस आपका हाउ टेरिबल नाइट, और सेंटेंस हमारा इतना ही हो। अब इसे यदि हम असर्टिव में चेंज करेंगे तो हम सब लोग जानते हैं कि यदि कहीं पर किसी वेदर की बात हो, कोई टाइम हो, कोई इंसिडेंट हो नेचुरल, तो उसे हम सब्जेक्ट के रूप में जब भी बनाते हैं तो इट से प्रारंभ करते हैं। यहां भी ऐसा ही है, टेरिबल नाइट है, तो हम जब सेंटेंस अपना स्टार्ट करेंगे तो वो इट से करते हैं और वर्ब हम इस मानते हैं, तो ये हो जाएगा इट इज। इट इज और हाउ को चेंज कर दिया वेरी में, इट इज वेरी टेरिबल नाइट, इट इज वेरी टेरिबल नाइट, ये आपका सेंटेंस बन गया। देखें यदि हाउ से है या व्हाट से है तो इन्हें हम वेरी में चेंज कर देते हैं, कहीं पर वर्ब नहीं आती या सब्जेक्ट नहीं आता, सब्जेक्ट इट मानते हैं और वर्ब इज मानते हैं और हम अपना सेंटेंस बनाते हैं। अब मान लीजिए आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, वो किसी एक्सक्लेमेशन वर्ड से स्टार्ट हुआ हो, जैसे हुर्रा, आई हैव गॉट गुड मार्क्स, ये है। तो यदि आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हुर्रा हो, ब्रेवो हो, अलास हो, तो हम इसे स्टार्ट करते हैं जैसे इट इज ए मैटर ऑफ जॉय, खुशी की बात है, आई हैव गॉट गुड मार्क्स, मैंने अच्छे अंक पाए, तो इट इज ए मैटर ऑफ जॉय, ये खुशी की बात है। कंजक्शन दैट लगाते हैं, इट इज ए मैटर ऑफ जॉय दैट आई हैव गॉट गुड मार्क्स, ये कर देते हैं। सपोज आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है वो अलास से शुरू हो, अलास आई एम रोइंग, तो अलास को भी ऐसे ही इट इज ए मैटर ऑफ, अब यहां पर तो ये खुशी की बात थी इसलिए जॉय कर दिया, ये दुख की बात है, अलास दुख के लिए आता है, तो यहां सौरो हो जाएगा दैट आई एम रुइंड। अब ये इट इज ए मैटर ऑफ जॉय भी कर सकते हैं और चाहें तो इसे इट इज सोरोफुल ये भी कर सकते हैं, इट इज सोरोफुल दैट आई एम रुइंड, ये भी कर सकते हैं, इसे भी कर सकते हैं हम इट इज जॉयफुल दैट आई हैव गॉट गुड मार्क्स, ये भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की स्टार्टिंग ब्रेवो से हुई हो, ब्रेवो यू हैव
won the match, ये आया। तो शाबाश आपने बहुत अच्छा किया, तो इसे हम इट इज ए मैटर ऑफ प्रेज दैट यू हैव वॉन द मैच, ये भी कर सकते हैं। और या फिर इसे हम करें इट इज जॉयफुल दैट यू हैव वॉन द मैच। इस तरह से हम अपने सेंटेंसेस बनाते हैं, और जब उसे असर्टिव में चेंज करते हैं तो जितने भी हमारे जो एक्सक्लेमेशन वर्ड्स होते हैं उनको हम रिमूव कर देते हैं, और रिमूव करने के बाद में जो उसका सेंस होता है तो इट इज लिखकर उसके बाद में हम उस सेंस के हिसाब से ही जॉयफुल, सोरोफुल या इट इज ए मैटर ऑफ प्रेज, मैटर ऑफ जॉय, मैटर ऑफ सोरो, जो भी होता है वो हम वहां पर लिख देते हैं और अपने सेंटेंस को बना लेते हैं। अब इससे आगे के सेंटेंस हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा सेंटेंस किसी अन्य वर्ड से भी स्टार्ट होता है, जैसे इफ ओनली I could see my home again. I could see my home again. ये सेंटेंस है। अब इसमें जो हमारा सेंटेंस स्टार्ट हुआ है वो हुआ है if से, तो ये सेंटेंस में if आ जाए, if only आ जाता है, तो इनकी जगह पर हम I विश कर देते हैं। तो यदि हमारा सेंटेंस ओ से स्टार्ट हो, आह से हो, इफ ओनली से हो, वुड दैट से हो, तो इन्हें लगा करके एक्सक्लेमेटरी बनता है और इन्हें हटा देते हैं, तो ये आई विश में चेंज हो जाते हैं। आई विश कंजक्शन दैट लगाया, और ये जो वर्ड्स होते हैं इनके बाद वाले जो सेंटेंस होते हैं उन्हें हम सेम टू सेम लिख देते हैं, जैसे आई कुड सी माई होम अगेन, ये हो गया। इफ ओनली आई कुड सी माई होम अगेन सेंटेंस आपका बनेगा आई विश दैट I could see my home again. अब second है वो start होता है would से, जैसे would, और would से start होने के बाद में इसमें that भी आता है, would that I were happy. अब ये वुड आता है, इस वुड को भी हम आई विश में चेंज कर देते हैं, तो इसके जगह पर भी आ जाएगा आई विश दैट आई वर हैप्पी। इन सेंटेंसेस में आप देख रहे हैं कि जो दैट के बाद वाले सेंटेंस हैं वो सेम टू सेम आ जाते हैं, इनमें हम किसी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये हो ओ दैट आई वर ए चाइल्ड, अब इस सेंटेंस में आप देख रहे होंगे कि ओ आया है, तो
तो इसमें ओ भी आ जाता है, ओह भी हो जाता है। अब इसको भी हम आई विस में ही चेंज कर देंगे, आई विस दैट आई वर ए चाइल्ड। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहां पर सभी जगह आई आई आया है और आई के साथ में वर कैसे आया है, तो ध्यान रखें आप कि आई के साथ हमेशा वॉज आता है, लेकिन जब हमारी कोई डिजायर ऐसी हो जो अनफुलफिल हो, अधूरी रहने वाली हो, भरने वाली ना हो, तो चाहे कोई भी सब्जेक्ट होता है उसके साथ में हमेशा हम वर लगाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने किसी सीन को देखा और उसमें कोई कैरेक्टर है और हमने भी वैसा ही सोचा कि काश मैं भी ऐसा होता, लेकिन प्रेजेंट टाइम ऐसा होना इम्पॉसिबल है। तो जब इम्पॉसिबल है वो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, लेकिन मन की कामना है, मन की इच्छा है, तो मन की इच्छा की वजह से हम मन में तो अपने में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वैसा होना इम्पॉसिबल है, इसलिए किसी भी सब्जेक्ट के साथ में हम वर लगा देते हैं यदि वहां पर ऐसा होता है तो। अब ये सेंटेंस है, ओह दैट आई वर बॉर्न टू इयर्स एगो, तो यही हो जाएगा आई विश दैट आई वर बॉर्न टू इयर्स एगो। तो ओ की जगह पर, वुड की जगह पर, ओ की जगह पर, इफ ओनली की जगह पर हम आई विश लगा देते हैं, कंजंक्शन दैट लगाते हैं, उनके बाद आया हुआ सेंटेंस हम ज्यों का त्यों कर देते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आप सब लोग अपनी पढ़ाई जारी रखे होंगे और पढ़ते चलें, वीडियो देखते चलें, टाइम वेस्ट न करें। थैंक यू।